हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑनर्स क्रिएशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, वो वीडियो है इंस्पेक्शन के बारे में, जो फील्ड ऑफिसर और एरिया ऑफिस से और QRC टीम जो भी हो आपके इंस्पेक्शन करके चला गया, और उन्होंने आपको मेल आईडी पर अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट भेज दिया। और क्या होता है, फील्ड ऑफिसर खुद प्रिंट आउट करके आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हैं। आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहां से फाइंड नहीं कर सकते हैं। SDMS में जो मेन टूल बार है, वहां पे आप अगर इंस्पेक्शन वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट पुराना हो या नया हो और नेक्स्ट इंस्पेक्शन कब आएगा वो कैसे पता करेंगे, इसको पता करने के लिए आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट सर्वर स्क्रीन के साइड पे साइट मैप बोल के एक ऑप्शन आया है। ये है रिपोर्ट, ये साइट मैप, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे इंस्पेक्शन बोल के आप लोगों को लिख देना है, ये सर्च आइटम पे इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन लिखते ही आप लोगों को देखेंगे इंस्पेक्शन ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ माई इंस्पेक्शन बोल के एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आपका जो इंस्पेक्शन हुआ था पहले और करेंट सब इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इंस्पेक्शन रिपोर्ट कैसे निकलते हैं। देख सकते हो दोस्तों, इंस्पेक्शन रिपोर्ट आप लोगों के सामने व्यू हो गया है। ये डेट वाइज आप लोगों की इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। आप देख सकते हो 30 दिसंबर 2022 हमारा लास्ट इंस्पेक्शन हुआ था, और यहाँ पे 2021-2022 का रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा। आप सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे देख सकते हो प्रिंट इंस्पेक्शन बोल के एक ऑप्शन आ गया है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंस्पेक्शन आसानी से प्रिंट हो जाएगा। आइए मैं आप लोगों को प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने प्रिंट इंस्पेक्शन ऑप्शन पर क्लिक कर दी है। ये थोड़ा टाइम लेगा, 1-2 मिनट टाइम ले सकता है, लेकिन आसानी से प्रिंट आउट हो जाएगा। और एक बात दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड होते होते मैं आप लोगों को बता दूँ, देख सकते हो यहाँ पे इंस्पेक्शन का जो टाइप है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मल इंस्पेक्शन, सरप्राइज इन्वेंटरी, जो गोडाउन का इंस्पेक्शन होता है वो इंस्पेक्शन देख सकते हैं। नॉर्मल इंस्पेक्शन बोल के यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन पे आ गए। आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका रिपोर्ट यहाँ पे नॉर्मल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको आसानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट इंस्पेक्शन का डेट कैसे पता करेंगे। ठीक है, मैं इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख सकते हो मेरा जो एक्चुअल एंड डेट और एक्चुअल स्टार्ट डेट एक दिन में ही होता है। इंस्पेक्शन टू इंस्पेक्शन करना है कितने दिन में, मेरा इंस्पेक्शन का ड्यू डेट आया था 29 दिसंबर 2002, लेकिन एक्चुअल इंस्पेक्शन हुआ था 30 दिसंबर को। तो नेक्स्ट ड्यू यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, नेक्स्ट ड्यू डेट। तो नेक्स्ट ड्यू डेट है वो 29 मई 2023, यानी कि मई महीने में किसी भी दिन आपका इंस्पेक्शन हो सकता है मेरा। तो ये भी ये डेट नेक्स्ट ड्यू डेट से आप भी अपना नेक्स्ट इंस्पेक्शन डेट पता कर सकते हैं। सिर्फ QRC इंस्पेक्शन के आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि QRC टीम जब आता है वो सडनली आता है, आपको बता के नहीं आता है। लेकिन और जो इंस्पेक्शन डेट है उसका आइडिया आप लगा सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं की है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाइए। आइए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ।